साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात करें जो आपके सवाल आए हैं उनको लेके बात करेंगे और जो आज की करंट न्यूज़ है उसको लेके बात करेंगे, पूरी बात आराम से करेंगे। देखिए प्रश्न पहले हम देख लेते हैं, गेस्ट फैकल्टी को लेकर आज बड़ी अपडेट आई है, उस पर जो रोक लगी है। रीट 2021 के सर्टिफिकेट को लेकर आपके सवाल आया है, एक छोटा सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं। 40% लाना जरूरी है कि नहीं, इस प्रकार से संबंधित थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उससे संबंधित टेस्ट थ्री से संबंधित जो आपके सवाल आ रहे हैं, कक्षा छः से लेकर 10 तक जो आपके बुक्स हैं उससे संबंधित जो सवाल आ रहे हैं वो बात हम आराम से करने वाले हैं। ये जो कक्षा छः से लेकर 10 तक जो बुक है सभी की जो परीक्षाएं आपकी हो रही है राजस्थान लेवल की, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आराम से पूरी बात करेंगे। उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें, वो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। देखिए सबसे पहले मैं आपको सूचित करूँ, सबसे उससे पहले आज क्या है, बाल दिवस। बाल दिवस के अवसर पर यहाँ पे टेस्ट सीरीज को लेके मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दूँ, ऑफर जो चल रहा है अभी रात 12 बजे तक ही ये ऑफर है, केवल 24 घंटे के लिए ऑफर था। बहुत से साथी क्या वो नहीं जुड़े थे, स्टार से जो जो साथी जुड़ चुके हैं मेरे हिसाब से मेरे लिए इतने काफ़ी है, यदि कंटिन्यू कोर्स लगभग जुड़े हुए हैं और टेस्ट देते हैं जितने जुड़े हैं काफ़ी हैं, लेकिन जो साथी वो कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज हमें ऑफर में नहीं जुड़ पाए तो आज 12 बजे तक वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर हिंदी की टेस्ट सीरीज और राजस्थान संपूर्ण राजस्थान जो जीके है आपका थर्ड ग्रेड का, ठीक है, सेकंड ग्रेड के साथ ही वो भी जो जो टॉपिक हैं आराम से देख लीजिए, पूरे टॉपिक आपके सिलेबस में है वो भी जुड़ सकते हैं, और जिनके हिंदी विषय है वो भी आपके थर्ड ग्रेड में वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो रही है, व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या सभी पे ऊपर है। ठीक है, 200 की जगह मात्र 75 रुपये में टेस्ट सीरीज अभी मिल रही है रात 12 बजे तक। ठीक है, तो वो तो आप देख लीजिए अपने आधार पर, कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करें या प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड करें अपनी कलम अपने जो भी है। बात करते हैं सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी की, गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी आज जो गेस्ट फैकल्टी जो भी प्रक्रिया थी, जिनका चयन हुआ, जिसका नंबर आया, जिसको ज्वाइनिंग देनी थी, वो आगामी आदेश तक, आज अभी आदेश आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आगामी आदेश तक उसको यहाँ पे स्थगित किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसी प्रक्रिया में वहाँ पे रोक लगा दी जाती है। ठीक है, जो जिस प्रक्रिया में था वहाँ पे उसको एक बार स्थगित कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको रोक लगा दी जाती है उस प्रक्रिया पे। ठीक है, विद्या संबल योजना में जो चल रही थी। अब ये क्यों मुद्दा उठा, तो बात ये है इसमें क्या था कि एक आरक्षण का प्रावधान नहीं था, उसमें क्या था SC ST OBC आदि के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, तो इस साल लग रहा है यहाँ पे जो न्यूज़ आई है इस उस न्यूज़ के आधार पे बता रहे हैं कि उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उसको मामला आगे भी बढ़ सकता था, इसलिए एक बार उसके लिए रोक लगा दी गई। क्या कोई नए प्रावधान आए या उसमें कुछ इस प्रकार से आ जाए कि कोई आगे परमानेंट वाला कुछ ऑफर है या क्या है 5 साल बाद में, वो सभी स्पष्टीकरण हो जाएगा, उस बाद में इसका वापस आ सकता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी इसको एक बार रोक दिया गया है, इस प्रक्रिया को आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है, गेस्ट फैकल्टी जो लगे हैं। रीट 2021 के जो सर्टिफिकेट को लेकर छोटा सा सवाल आ रहा है, लेकिन जिनके लिए सवाल आ रहे हैं उनके लिए सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बहुत से साथी कहते हैं आप छोटे छोटे सवाल क्यों उठाते हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको पता नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए इसको दो बातों में हम करेंगे, रीट 2021 के हम दो भाग लेते हैं, एक भाग है लेवल 1 का और एक भाग है लेवल 2 का। ठीक है, 2021 रीट जो थी 2022 की बात नहीं कर रहा, 2021 में जो सवाल आ रहे हैं वो बात करें तो 2021 में लेवल फर्स्ट से जो भी दी थी, जिन जिनने लेवल फर्स्ट से दी थी उनके सर्टिफिकेट इसी में चल जाएंगे, इसके सर्टिफिकेट हैं वो इस थर्ड ग्रेड में एग्जाम देने के वो सभी पात्र हैं। यदि थर्ड ग्रेड में लेवल 1 में वो पास किए हुए हैं, 2021 में लेवल 1 में पास का उसका सर्टिफिकेट है उसके पास में, तो 2021 जो अभी थर्ड ग्रेड होनी है 2023 में उसमें वो पात्र है। लेकिन अब आपको ये क्या करना, पहले लेवल फर्स्ट की बात करते हैं, यदि उसने 2021 में भी रीट दी है और 2022 में भी रीट दी है तो आपको क्या करना है, आपके जो अच्छा अंक आपको लगे, ज़्यादा अंक जिसमें आए हैं आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एक बात लेवल फर्स्ट की तो हो गई, अब बात करते हैं लेवल सेकंड की। तो लेवल सेकंड में 2021 में जिसने दी थी वो परीक्षा क्या है, रद्द हो चुकी थी, लेवल 2 की क्या हो गई थी, रद्द हो चुकी थी। 2021 में जिन्होंने लेवल 2 का दिया था वो अभी सर्टिफिकेट उनका मान्य नहीं है। 2022 रीट 2022 में जिसने पास की है वो साथी इस थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम में वो आप विज्ञप्ति आई तो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई है, अब दोबारा इस प्रकार का सवाल मेरे हिसाब से नहीं आएगा। 40% लाने जरूरी है क्या, तो देखिए बात करें 3 मुख्य भर्तियों की लेके बात करूँ तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड में सीधी सी बात है दोनों पेपरों में जो दोनों पेपर हुए हैं दोनों में 40-40% लाना जरूरी है। ठीक है, सीधी सी बात है दोनों पेपर में, चाहे जीके का वाला पेपर हो चाहे आपके सब्जेक्ट का पेपर हो, उसी प्रकार विज्ञप्ति में साफ दे रखा है, मैंने अलग वीडियो भी बताया था आपको जिसमें ये न्यूज़ आई थी, तो विज्ञप्ति में साफ दे रखा है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में, उसी प्रकार सेकंड ग्रेड है, उसी प्रकार सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपके 40% होने
दोनों में अलग अलग 40-40% होना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी विज्ञप्ति में दी हुई है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो अब बात करें थर्ड ग्रेड की। ठीक है, थर्ड ग्रेड में लाना जरूरी है या नहीं है, तो सीधी सी बात है, अभी जो विज्ञप्ति आ रही है सप्ताह भर में मेरे हिसाब से ये सर्टिफिकेट आपका काम हो जाएगा, सर्टिफिकेट वाला, फिर उसके अगले सप्ताह में ये विज्ञप्ति वाला मामला हो जाएगा। उसको लेकर बहुत से साथी कह रहे हैं कि क्या आगे बढ़ती जा सकती है, तो यही बात है कि विज्ञप्ति यदि और देर होती, जैसे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था, अधीनस्थ बोर्ड सेवा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि और ज़्यादा लेट होती है, ठीक है, तो विज्ञप्ति जो आपके एग्जाम डेट है वो आगे जा सकती है महीने भर जो भी है। लेकिन यदि विज्ञप्ति इस महीने इस सप्ताह भर में आ जाए, नवंबर में यदि आ जाती है, नवंबर या दिसंबर स्टार्ट में, तो संभावना कम है आगे जाने की। लेकिन यदि और लेट होती है विज्ञप्ति तो आगे जा सकती है। तो इसी आधार पर बात करें तो उसमें जो स्पष्टीकरण आएगा विज्ञप्ति में आपके जो लिखा हुआ आएगा वही मान्य होगा। मैं आपको अभी कह दूं कि जरूरी है, मैं अभी कह दूं जरूरी नहीं है, क्योंकि बेतुके की बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपको यह तय करना है, आपको टारगेट 40% लेके थोड़ी चलना है, आपको टारगेट लेके चलना है 90% का भी, कि इतने में आपको तो 100% लेके चलना है, जितना अच्छा हो सके उतना वो देना है। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और उसके अच्छे से मेहनत के लिए आपको रणनीति आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो आपका समय बचा है, जो आपके पास अभी समय कितना बचा है, लगभग 2.5 महीने का आज समय आपके पास में है। ठीक है, जनवरी पूरी है और दिसंबर पूरा है, उसके 15 दिन हैं। इस 2 महीने का आप टारगेट बनाइए अभी कि मेरे क्या क्या हो गया कवर, क्या क्या नहीं हुआ, सिलेबस पर नज़र डालिए, उस आधार पर आप अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें, कौन से टॉपिक कवर हैं कौन से नहीं, वो आप ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें। बात करें देखिए टेस्ट सीरीज को लेकर, तो मैंने बता दिया आपके ऊपर अभी रात 12 बजे तक है। जो भी साथी राजस्थान जी थर्ड ग्रेड में, जितना राजस्थान जी के आएगा थर्ड ग्रेड में, चाहे वो लेवल फर्स्ट से हैं चाहे सेकंड से हैं, सभी के जो राजस्थान जी के आना है उन सभी के रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट चल रही है। आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, उस प्ले लिस्ट जो दी हुई है इसमें लिंक दिया हुआ है वहाँ से, अन्यथा आप सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करके जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे आपका जीके वाला जो कोर्स है वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंटेंट में आपको कोर्स मिल जो टेस्ट मिल जाएंगे सभी। उसी प्रकार जिसके विषय हिंदी है, जिसके थर्ड में विषय हिंदी है, उसके व्याकरण प्लस शिक्षण विधि का जो जितने भी टेस्ट है टॉपिक वाइज, वो आपको एक अलग टेस्ट में मिल जाएगा, उसमें ऊपर भी चल रहा है, सभी टेस्ट सीरीज में ऊपर चल रहा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो आप कमेंट कर रहे थे बार बार टेस्ट सीरीज को लेकर, उसके लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लास है वो मैंने लगाई थी, कक्षा 6 से लेकर 9 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। किसी भी एग्जाम को देख लेना, आप पीछे जो भी वनपाल हुए हैं, वन रक्षक हुए हैं, आप उसको देखें, गौर करें कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, राजस्थान जीके के जो सवाल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। अपनी क्लास में से यदि कोई सवाल मेरे हिसाब से 90% सवाल हैं वो वहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, 6 से 9 तक आपको ऐसा लगेगा कि ऑनलाइनर किताब है, ऐसे कोई भी पढ़ सकता है और पढ़ता है, लेकिन आप रिवीजन करें, उन किताबों को देखेंगे, उन जो क्लासों को देखेंगे, तो आप 3 से 4 घंटे में एक जो एक किताब आपकी 6, 7, 8 की 9 की, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, 3-4 घंटे में आप रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रकार से वो क्लास ली हुई है, हाईलाइट की हुई है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वरना आप चैनल पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ से कक्षा 6 से 10 तक वो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्रम से वो क्लास देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है, आप गाइड को इसे भी पढ़ें, उसके साथ में ये किताबें अति महत्वपूर्ण हैं। अब कक्षा 10 की बात करें तो मैं 10 की कोशिश कर रहा हूँ, कल या परसों तक आपके स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू आपको पार्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नो टेंशन रहिए। मेरा प्रयास रहेगा इस बार बोर्ड का लाने का या जो भी है, इस प्रकार क्लास आपकी विस्तार से अच्छे से, क्योंकि कक्षा 10 की किताब वो अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण आप उसे कह सकते हैं। कक्षा 9 और 10 की जो किताबें हैं, जो भी बोर्ड में चल रही, जो कक्षा 9 का तो सौर्य परंपरा वाली किताब है, और कक्षा 10 की कौन सी है, इतिहास कला संस्कृति वाली, तो वो दोनों अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की हम आराम से भी देखेंगे, वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसकी बात करें क्लास की बात, उसकी PDF की बात करें, PDF की कक्षा 6 से लेकर 8 तक तो मेरी उपलब्ध कराई हुई है। आपको जो अपना जो जहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है ऐप है, उस ऐप में जो स्टडी मटेरियल है उसमें ऑप्शन है, PDF आपके नोट्स भी हैं, किताबें भी हैं, नोट्स जिस प्रकार क्लास के नोट्स हैं उसके भी हैं, अन्यथा उसके जो भी जो महत्वपूर्ण है सूजस करंट जी की जो महीने वाइज हर महीने की अलग अलग किताबें हैं वो अपलोड की हुई है टॉपिक वाइज, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम से। उसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण जो किताबें हैं वहाँ पे सब मिल जाएगी, तो आप जो ऐप है कमेंट बॉक्स में उसको डाउनलोड करें, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में देख सकते हैं, फ्री है, सभी निःशुल्क है, आराम से देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले कि आप रात 12 बजे तक ये ऊपर है उसे जुड़ सकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही 10वीं क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कोई सवाल रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।